कि दोस्तों ये डेली करंट अफेयर की क्लास सरकारी परीक्षा पे शिफ्ट हो गई है जीए के जीएस के वर्कशॉप सेंटर के लिए जीए बाई प्यूसर को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों आप जरूर देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों सबसे ज्यादा करंट अफेयर आपको यहीं पर कवर होते हैं ठीक है ओके चलिए दोस्तों यहां पे आपके लिए सिक्स मंथ करेंट अफेयर का बाप है जो ये जहां एक साल के करंट अफेयर कराए जा रहे हैं साढ़े छह बजे ये भी सरकारी परीक्षा पे कराया जा रहा है ठीक है बैंकिंग का बैच मैंने पढ़ाया हुआ है एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है एक बार जाके चैनल पे विजिट करिए इस प्ले को खोजिए गेम चेंजर बैच के टॉप टेन फाइनेंशियल टर्म्स में भी मैंने आठ क्लास ली है ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फिनेंशियल टर्म्स आपके यहां से कवर हो जाएंगे ओके आइए दोस्तों शुरू करते हैं किस राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ राज्य के कलाकारों को हस्तशिल्प वालों को बुनकरों को हैंडीक्राफ्ट वालों को और दोस्तों एथनिक आर्ट्स वालों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए दोस्तों अभी टाइप किया है तो दोस्तों यहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे हैं तो दोस्तों इन्होंने जो है यहां पे एमयू साइन किया भारत के राज्यों का सांस्कृतिक सम्मेलन दोस्तों जिसमें कि यहां पर इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है ठीक है क्लियर है याद रहेगा तो दोस्तों भारत के राज्यों का सांस्कृतिक सम्मेलन में ये जो है सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए बिहार सरकार ने अपने टैलेंट को अपने कलाओं को दोस्तों जो है आईएसएसआर के साथ कायप करने का फैसला किया है विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ था दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स 8.39 परसेंट हो गई है डब्ल्यू वाली इन्फ्लेशन जो कि दोस्तों देखा जाए तो पिछले महीने 10.7 परसेंट पे थी और मार्च 2021 के बाद 18 महीने के सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गई है यानी कि यहां पे देखा जाए तो डबल डिजिट से नीचे आने में इसको अट्ठारह महीने लग गए पांच महीनों से लगातार कम होते होते यहां पर आया है आप सोचिए कि अक्टूबर में थर्टीन पॉइंट एट थ्री परसेंट था दोस्तों तो कहां से कहां तक आया है तेरह दशमलव आठ तीन से आठ दशमलव तीन नौ पे आ गया है दोस्तों यहां पे लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट एक सबमिट हुई थी दोस्तों लंदन में जहां रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल की स्ट्रीट योजना ने जीता है स्ट्रीट का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल टेंजेबल रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेंसियल एथनीट टूरिस्ट हब दोस्तों हमेशा ही पाटा के द्वारा या किसी के भी द्वारा टूरिज्म का बेस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड इसको मिलता है इसकी दोस्तों एक एयरपोर्ट है उसको भी अवार्ड मिलता है कोविड 19 में मिशन सेफ गार्डिंग में यानी कि ये लोग नियमों का पालन भी करते हैं बहुत अच्छे से ठीक है क्योंकि सारे वायरस तो यहीं आते हैं तो इन्हों को करना भी पड़ता है दोस्तों अभी की एक ग्राम वंडी योजना थी जिसको ट्रांसपोर्टेशन का भी अवॉर्ड मिला था ग्राम वंडी योजना भी केरल की योजना थी ठीक है क्लियर है दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ी चुने गए तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के दोस्तों सदस्य के रूप में दस खिलाड़ी चुने गए दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के हेड थे नरिंदर बत्रा वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी हेड थे और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तो हेड नहीं थे क्योंकि वो थॉमस बैश हैं लेकिन उसके मेंबर थे लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के वो हेड थे जिसके बाद आदिल सुमरेवाला बने थे दोस्तों अभी एथलीट कमीशन में दस मेंबर चुने है, में गए हैं जिसमें हेड चुनी गई हैं एम सी कॉम एमसी सी मेरी कॉम दोस्तों इस एथलीट कमीशन की जो है हेड चुनी गई है एमसी सी मेरी कॉम और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं दोस्तों शरत अचंता कमल शरत अचंता कमल के बारे में आपने इस हफ्ते में जो जो न्यूज सुनी है जरा सा बताइए मैं उसमें कुछ ऐड कर दूंगा कुछ जो है मैं उसमें ऐड कर दूंगा ठीक है ओके कोई कह रहा है कि सर जो है वो हो रहा है बफरिंग हो रही है ऐसा कुछ है क्या बफरिंग हो रही है क्या बसंत बता रहे हैं ऐसी कोई बात है क्या खैर दोस्तों एमसी मेरी कॉम पी सिंधु मीराबाई चानू गगन नारंग ऐसे दस लोग हैं दोस्तों जिन्हें इसमें शामिल किया गया है ठीक है क्लियर है चलिए पांच पुरुष हैं और पांच महिलाएं हैं दोस्तों निर्विरोध जीती हैं निर्विरोध जीती हैं ओके दोस्तों भारत ने हाल ही में किस ब्लॉग के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फाइव मिलियन यूएस डॉलर के योगदान की घोषणा की है फाइव मिलियन यूएस डॉलर दोस्तों कंट्रीब्यूट किए आशियान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के लिए आशियान की मीटिंग दोस्तों कंबोडिया में हुई थी कंबोडिया के नोम पेन में दोस्तों जहां पे हमारे भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी गए थे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आ, आशियान और इंडिया का एक स्टार्टअप फेस्टिवल हुआ था वो दोस्तों मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी अभी तीसवें साल सेलिब्रेट किया आज सुबह मैंने पढ़ाया है बेस्ट टू हंड्रेड करंट अफेयर की क्लास में मैंने पढ़ाया है ठीक है क्लियर है ओके, दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया दोस्तों सीओपी ट्वेंटी सेवन सम्मेलन हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है जलवायु को अच्छे रखने के लिए हर मिशन की तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत दोस्तों 2021 में हुई थी अभी सी ओ पी ट्वेंटी सेवन हुआ है दोस्तों शर्म अल शेख इजिप्ट में दोस्तों यू एन एफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ऑन क्लाइमेट चेंज ये दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी ट्वेंटी सेवन हुई है जहां पे दोस्तों भारत ने जो है बहुत सारे कमिटमेंट भी किए हैं नेशनल हिंद ग्रीन हाइड्रोजन इसी एम के साथ आया भी है कि हम इन्वायरमेंट में दोस्तों जो है कुछ है, कमी करें हम इन्वायरमेंट को अच्छा करें बेहतर करें और ग्लोबल वार्मिंग में कुछ कमी करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ को मैक्सिमाइज किया जाएगा एथनॉल ब्लेंडिंग जो रीच है दोस्तों उसको 2025 तक 20 परसेंट तक पहुंचाना है ठीक है 20 परसेंट तक पहुंचाना है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा दोस्तों पिछले साल तो इसमें जो है करीब करीब 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार जो है केवल एक आदमी को दिया जा रहा है केवल एक आदमी को 30 नवंबर को दिया जाएगा 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है किसी क्रिकेटर को नहीं दिया जा रहा है यानी सरकार इस मामले में वो है कि सबको खुश नहीं करेंगे टोक्यो ओलंपिक में तुमने घटिया प्रदर्शन किया है तो भैया पिछली बार पांच ओलंपियन को मिल गया पांच ओलंपिक वालों को पांच पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को मिल गया लेकिन इस बार जो तो है आप लोगों ने में से जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है उसी को यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तो पुरस्कार मिलेगा वरना बाकी लोगों को अर्जुन अवार्ड और ये सब अवार्ड दिया जाएगा खैर इस पर मैं एक पूरा वीडियो भी बनाऊंगा कि क्यों कौन से पच्चीस लोग हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है कौन किन को द्रोणाचार्य किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट किन को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इनकी पूरी लिस्ट मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों ठीक है क्लियर है तो आज ही बना करके मैं आ, सरकारी परीक्षा पे अपलोड करवा दूंगा उस चैनल पे तो आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों इस बार केवल शरत अचंता कमल को दिया गया है और मैंने अभी आपसे पूछा था शरत अचंता कमल किन किन बातों के लिए न्यूज में है किन किन बातों के लिए न्यूज में है तो दोस्तों एक तो मनिका बत्रा के साथ टेबल टेनिस में मिक्स टीम में टॉप फाइव में आए हैं दूसरी बात दोस्तों अभी शरद अचंता कमल जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के रेसिपेंट भी हैं और दोस्तों एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी बन गए हैं एथलीट आयोग भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए दोस्तों ये पॉइंट भी क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ठीक है वह एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी और टेबल टेनिस खिलाड़ी को दोस्तों पेडलर भी कहते हैं दस बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं 2019 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है ठीक है तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 30 तारीख को नवंबर में राष्ट्रपति भवन में इन लोगों को ये सम्मान देंगी ओके okay. तो दोस्तों यहां पे केवल एक खिलाड़ी को जो है चुना गया खेल रत्न पुरस्कार के लिए अर्जुन अवार्ड पच्चीस लोगों को दिया जाएगा पच्चीस लोगों को दिया जाएगा ठीक है तो अचंत शरत अचंता कमल ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी लोग नहीं किए थे तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में तीन गोल्ड इन्होंने जीता है एक सिल्वर जीता है दोस्तों तीन गोल्ड एक सिल्वर जीता है दोस्तों शरत अचंता कमल ने कॉमनवेल्थ गेम में इसलिए इन्हें यह अचीवमेंट दिया गया तो हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शरत के नाम कॉमनवेल्थ गेम में कुल सेवन गोल्ड है मतलब अभी तक बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम खेल चुके होंगे सेवन गोल्ड तीन सिल्वर और तीन ब्रांज है इनके पास तो दोस्तों एशियन गेम और एशियन चैंपियनशिप में भी दो दो ब्रांज इन्होंने जीते हैं ठीक है शरद कमल खेल रत्न पाने वाले दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं इसके पहले मनिका बत्रा को यह पुरस्कार दिया जा चुका है ठीक है क्लियर है चलिए दोस्तों अगर बात की जाए अर्जुन अवार्ड में कुछ महत्वपूर्ण लोगों की तो लक्ष्य सेन और लिखहत जरीन का नाम आता है दोस्तों लक्ष्य सेन ने थॉमस कप जीता दिया पहली बार भारत को वैसे जिताया तो चार लोगों ने लक्ष्य सेन चिराग सेट्टी सत्विक साईराज और किदांबी सिंह कांत तो और लक्ष्य सेन बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कहा जाता है इंडोनेशिया चौदह बार की विजेता को इन लोगों ने तीन जीरो से हराया ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है शतरंज खिलाड़ी आर प्रग्ना नंदा यानी कि दोस्तों आर प्रग्ना नंदा को अर्जुन अवार्ड मिलना भी चाहिए बाप का दादा का सबका बदला यही ले रहा है जूस मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हराया था उसको दोस्तों ये हराए भाई साहब दो दो तीन तीन बार हराए इस साल तो इनकी तो बात ही अलग पहलवान अंशु मलिक भी शामिल है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को नहीं दिया गया पिछले साल भी मुझे लगता है कि जो क्रिकेट के उस समय के खिलाड़ी थे उनको शिखर धवन को एक अर्जुन अवार्ड मिला था और मेजर ध्यानचंद खेल खेलरथ पुरस्कार में बारह लोग थे बारह लोग में किसी भी पुरुष क्रिकेटर को नहीं दिया गया था उनको दिया गया था जो रिटायर हुई है मिथाली राज को दिया गया था ठीक है चलिए तो दोस्तों लक्ष्य सेन और निकह जरीन की क्या उपलब्धियां हैं तो लक्ष्य सेन ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज जीता था दोस्तों लक्ष्य सेन ने ठीक है वो ऑल इंग्लैंड ओपन में भी उप विजेता रहे थे ऑल विजेता है तो दोस्तों गोल्ड मेडल जीता इन्होंने राष्ट्रमंडल गेम में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था और दोस्तों मिश म, जो मिक्स्ड टीम थी उसमें दोस्तों जो है रजत जीता था और मुक्केबाज जरीन की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता और इस्तानबुल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था दोस्तों ऐसे ही किसी न्यूज से उठा करके पुराना कोई खबर पूछ लेता है कि बताइए वर्ल्ड चैंपियनशिप इस्तांबुल में गोल्ड मेडल किसने जीता था ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं अभी वर्ल्ड एथलीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कौन किन किन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड एथलीट में खेला था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में खेला था ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था अभी पिछले महीने ही ठीक है चलिए दोस्तों तो यहां पे देख सकते हैं शरत कमल अचंता को एक ही खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला दोस्तों अभी फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है जिसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है तो कार्लो सौरा को दे दिया गया दोस्तों आज ही हम लोगों ने सुबह पढ़ा है आज ही हम लोग ने उनकी फोटो भी देखी है आपको बताना है दोस्तों चिरंजीवी को कौन सा अवार्ड मिला है चिरंजीवी को दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है यह आपको बताना है ठीक है तो दोस्तों ये अवार्ड विनिस स्पेनिंग स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है कार्लो सावरा इन्हें यह अवार्ड मिला है ओके ठीक है दोस्तों इस बार फ्रांस जो है स्पॉटलाइट कंट्री है इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हो रहा है पिछला वाला भी गोवा में हुआ था फिफ्टी सेकेंड वाला भी फ्रांस इसकी स्पॉटलाइट लाइट कंट्री है दोस्तों याद रखिएगा ओके दोस्तों विच ग्रुपिंग हैज लॉन्च्ड 1.4 बिलियन डॉलर फंड टू टैकल द नेक्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक किस ग्रुप ने अगली ग्लोबल महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है तो दोस्तों ये जी ट्वेंटी ने किया है ठीक है क्लियर है अच्छा तुम लोग का वो एडमिट कार्ड आ गया क्या एडमिट कार्ड कब का आया तुम लोग का कौन कौन सा शिफ्ट है भाई तुम लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं हो आया था तो तुरंत बताना चाहिए था तो दोस्तों अभी जी ट्वेंटी भी हुई है इंडोनेशिया में बाली में दोस्तों ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग हुई है और अभी दोस्तों जो है क्या कहते हैं जी सेवन जर्मनी में हुआ है अभी आशियान की समिट कम्बोडिया के नोमफेन में हुई है तो बहुत सारी मीटिंग्स का दौर चल रहा है बहुत सारी मीटिंग्स का दौर चल रहा है <coughs> यस सर दो दिन हो गए दो बहुत दिन हो गए दो दिन हुआ है बहुत नहीं कौन कौन से दिन पेपर है भैया ये तो बताओ मुझे ही तो तुम लोग बता दिया करो बताओ मुझे एक वीडियो बना दिए होते उस उसपे वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती मैं तुम लोग को हर चीज व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करता हूं मैंने तुमको अड्डा की हिंदी कैप्सूल दी इंग्लिश कैप्सूल दी मैंने तुमको बाईजूस की हिंदी कैप्सूल दी इंग्लिश कैप्सूल दी मैंने तुमको अप... बहुत सारे जो है कैप्सूल भेजे बहुत सारी मैगजीन भेजे मैं तुम लोग को हर अपडेट देता रहता हूं जो मेरे पास आता है तुम लोग मेरे साथ चीटिंग करते हो तो दोस्तों प्रसार भारती के सीईओ जो है मयंक अग्रवाल की जगह मैं तो बहुत दुखी हो गया हूं छब्बीस नवंबर को बस एक ही सिर्फ तो आ दिया है अभी तक तो किसी और का तो कुछ भी नहीं आया है छब्बीस नवंबर को ही तो सबका बता रहे हो कोई भी तो लोग बोल रहे दो दिन हो गए वो अभी भी नेट खराब चल रही है क्या <coughs> मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं पे नेट खराब चल रही है कहां बफरिंग हो रहा है अभी भी हो रहा है अभी देखो सही चल रहा है। डीजी लॉकर में दोस्तों अब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी आ गया डीजी लॉकर में भी आभा का आ गया फुल फॉर्म क्या है आभा का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ठीक है दोस्तों आपका पूरा रिकॉर्ड ये रखता है आभा अकाउंट जो कितने डिजिट का है दोस्तों फटाफट बताओ कितने डिजिट का है आभा अकाउंट कितने मैं भी अब देख रहा हूं अगर कोई भी बफरिंग होगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा मैं लगातार देख रहा हूं अपने मोबाइल पे ठीक है इसलिए तो लो, तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते दोस्तों रेली गेयर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं रेली गेयर के ब्रांड एम्बेसडर योगेश्वर दत्त बन गए कौन बन गए हैं योगेश्वर दत्त बन गए हैं ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स को दोस्तों सी ओ पी ट्वेंटी सेवन सम्मेलन में मिश्र में इजिप्ट में दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम क्या है दोस्तों मिथेन गैस ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन लेयर में छेद करती है जिससे सन की अल्ट्रावायलेट रेंज अर्थ पे आती है ग्लोबल वार्मिंग होती है तो शर्मअल शेख में दोस्तों यहाँ पे मिथेन गैस का अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो किया गया जो मिथेन गैस जो है दोस्तों उत्सर्जित करेगा उसको पकड़ लेगा ये मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम एक सेटेलाइट है दोस्तों मिथेन उत्सर्जन का पता लगाने में ये बहुत जो है काम की चीज है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों कोचिन शिपयार्ड ने यूपी के भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमेरेन शिप के निर्माण के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है तो दोस्तों कोचिन शिप बनाएगा भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाला एक शिप और दोस्तों ये वाराणसी यूपी के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों आसाम के तक जाएगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कोचिन शिप जिसने आई विक्रांत को बनाया था वाराणसी में ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों क्योंकि वाराणसी में अभी जो है हुई है दोस्तों गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वे समिट तो दोस्तों वाराणसी वर, में क्या हुआ है पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटर वे समिट ये आपका एक नंबर बन गया अब वा। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है संजय बंदोपाध्याय है दोस्तों ये ग्यारह नंबर को वाराणसी में हुआ है ठीक है क्लियर है यहाँ पीछे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक कैटमरीन आसाम आ, में जो कोचिन शिपयार्ड और इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा मान लीजिए हाइड्रोजन किया जाएगा अगर इलेक्ट्रिक भी आपके एग्जाम में आता है तो यही टिक करेंगे ओके संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड और कल्चरल कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल भी वाराणसी ही है ठीक है चलिए दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ईज रिपोर्ट इंडेक्स की क्वार्टर वन की रिपोर्ट दे दी है फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट दे दी है ठीक है फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बेस्ट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों बेस्ट बैंक कौन चुना गया है तो दोस्तों चुना, चुना गया है ओके क्लियर है. Okay? है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त एस बी के चेयरपर्सन कौन है दोस्तों दिनेश कुमार खरा है और फर्स्ट जुलाई नाइनटीन को ये आई थी ठीक है ओके okay? चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त एस पहले नंबर पे है दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में और दूसरे नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है एसबीआई है यूबीआई है और बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों ये याद रखेंगे ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त इज 5.0 लॉन्च हुआ है दोस्तों इज का फुल फॉर्म है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस दोस्तों फीचर फोन यूजर जो वन टू थ्री वाला कीपैड वाला फोन यूज करते हैं बहुत ही गरीब लोग होते हैं दोस्तों और या तो बहुत अमीर हो सकते हैं तो दोस्तों इन्होंने जो है उनके लिए यूपीआई वन टू थ्री पे लॉन्च किया था एनपीसीआई ने मतलब भारत सरकार की ने ही लॉन्च किया था संस्था एनपीसीआई है तो दोस्तों अब उस पर अब बिजली का बिल भी भर सकते हैं क्योंकि गांव के लोगों का क्या रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल की दिक्कत रहती है और सरकार को भी ये दिक्कत रहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आसानी से ये लोग भरते नहीं है क्योंकि आसानी से भरने की कोई व्यवस्था नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब बिजली का बिल भी यू पी आई वन पे भरा जा सकेगा यू पी क्या है दोस्तों जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है इंटरनेट की सेवा नहीं है वो लोग दोस्तों एस एस के थ्रू या मिस्ड कॉल के थ्रू या टोल फ्री नंबर के पे कॉल के थ्रू यूपीआई को सक्षम बना सकते हैं यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं ऐसी सेवाएं जो है यूपीआई वन टू थ्री पे में की गई है ठीक है तो दोस्तों यूपीआई वन टू थ्री पे पे मैंने एक स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्पेशल लेक्चर वाले दोस्तों जिसमें मैंने चारों विकल्पों के बारे में बताया जो इसमें लिखा है ना कि चार ऑप्शन होते हैं इससे पेमेंट करने के उन चारों ऑप्शन के बारे में लिखा हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि चारों ऑप्शन दे दे एक पांचवा ऑप्शन दे दे पूछे दे कौन सा ऑप्शन यूपीआई वन टू थ्री पे का नहीं है ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो सत्रह सत्तर से अधिक बिजली बोर्ड पर दोस्तों जो है इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किस संगठन को हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान आईपीआई इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज बिन रिसेंटली अवार्डेड द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म तो दोस्तों यहाँ द प्रिंट को और सौरभ शुक्ला को दोस्तों इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया दोस्तों अभी कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड भी दिया गया था जिसे दोस्तों द वायर की संपादक आरफा खानम को और अजीत अंजुम एक पत्रकार हैं जो आजकल वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं अपने नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी अजीत अंजुम का दोस्तों उन दोनों लोग को यह अवार्ड दिया गया उन दोनों लोग को यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों हाल ही में नायका फैशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो नायका की ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर जो कि श्रीदेवी और बोनी कपूर की लड़की हैं दोस्तों नायका फैशन की जो मालिक हैं फाल्गुनी नायर वो भारत की सबसे अमीर महिलाओं में हैं और सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला भी हैं वो दोस्तों और दुनिया के भी टॉप टेन सेल्फ मेड अमीर महिलाओं में उनका स्थान है ठीक है दोस्तों आईसीसी के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है तो पहला ही पॉइंट गलत है क्योंकि ये आठवां वर्ल्ड कप है टी ट्वेंटी का 2007 में ये शुरू हुआ था फिर 2009 में हुआ था और 2010 में इंग्लैंड ने जीता था दो जो है सात वाला भारत ने जीता था दो वाला जो है वो दोस्तों पाकिस्तान ने जीता था और दो वाला जो है वो दोस्तों किसने जीता था इंग्लैंड ने इंग्लैंड दूसरी बार जीत रहा है तो यहां चौथी बार लिखा है वो भी गलत है लेकिन इंग्लैंड ऐसी पहली टीम है जिसके पास 50 ओवर का वर्ल्ड वर्ल्ड कप भी इस समय है और टी ट्वेंटी का भी वर्ल्ड कप इस समय यानी दोनों फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन इस समय इंग्लैंड है ऐसा आज तक कोई टीम कारनामा नहीं कर पाई कि एक ही समय में दोनों मैच जीत गई हो दोनों कप जीत गई हो दोस्तों विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जो भाई किसी भी वर्ल्ड कप के बाद एक वैल्यूएबल टीम बनाई जाती है जिन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किया होता है तो दोस्तों उस टीम में जो है इंडिया के दो बैट्समैन चुने गए सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली विराट कोहली दोस्तों पहले इंडियन प्लेयर है जिन्होंने एक हजार टी ट्वेंटी रन बनाए हैं एक कैलेंडर ईयर में दोस्तों विराट कोहली ने चार हजार रन बनाए हैं दोस्तों टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में वो पहले ऐसे प्लेयर हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में दोस्तों जो है इन्होंने दोस्तों हाईएस्ट स्कोरर भी रहे विराट कोहली विराट कोहली हाईएस्ट स्कोरर भी रहे हैं दोस्तों ठीक है क्लियर है जॉस बटलर दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल टीम के भी कैप्टन थे और इंग्लैंड के भी टीम के कैप्टन थे ओके दोस्तों यूबीआई ने 11 नवंबर को अपना एक स्थापना दिवस बनाया है यूनियन बैंक कौन से नंबर की सरकारी बैंक है तो दोस्तों ये जो है पांचवें नंबर की सरकारी बैंक है पांचवें नंबर की दोस्तों क्या है सरकारी बैंक है ओके क्लियर है याद रहेगा दोस्तों यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा था कि यूनियन बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था तो यहां पे देखिए तीसरी लाइन ऊपर से कि यूनियन बैंक ने 11 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के दिन व्योम ऐप लॉन्च किया था कौन सा व्योम ऐप लॉन्च किया था व्योम ऐप लॉन्च किया था ठीक है और पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नंबर की सरकारी बैंक है यूबीआई तो पांचवें नंबर के ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग से कई दिन से पूछ रहा हूं कि आईसीसी की पावरफुल फाइनेंस एंड कॉमर्शियल अफेयर कमेटी के दोस्तों हेड कौन चुने गए हैं तो ये दोस्तों जय शाह चुने गए अमित शाह के लड़के हैं होम मिनिस्टर के लड़के हैं जय शाह जय शाह आई के भी सेक्रेटरी हैं बी के भी सेक्रेटरी हैं और आई जो दुबई में जो इंटरनेशनल संस्था है उसकी भी फाइनेंस और कमर्शियल अफेयर कमेटी के दोस्तों जो है चुने गए हैं हेड और दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप कराती है जो इस बार श्रीलंका ने जीता था उसका हेडकोार्टर कोलंबो में है और दोस्तों उसके भी हेड हैं ये ये उसके भी हेड हैं क्लियर है ओके okay. तो दोस्तों ये जय शाह हैं और दोस्तों ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए हेड फिर से चुने गए हैं वो न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों टी ट्वेंटी के मेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है मतलब जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन था कुल मिला के ये मतलब है तो सैम कोरेन सैम कोरेन दोस्तों मैन ऑफ द मैच भी थे क्योंकि इन्होंने तीन विकेट महत्वपूर्ण झटके थे पाकिस्तान के और टोटल वर्ल्ड कप में 12 विकेट लिए थे इनको जो है दोस्तों यहाँ पे सम्मान दिया गया है आईसीसी में तीन कंट्री ऐड हुई है उज्बेकिस्तान कोटेडियावर और कंबोडिया दोस्तों वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया वांगला महोत्सव दोस्तों अभी किस राज्य में संपन्न हुआ है फटाफट बताइए तो वांगला महोत्सव दोस्तों जो है मेघालय में मनाया गया कहाँ मनाया गया मेघालय में मनाया गया ठीक है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक जिसे मणिपुर ने जीता है दोस्तों सबसे ज्यादा मेडल वो किस राज्य में मनाया गया था नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक दोस्तों मेघालय को इस बार डब्ल्यू एस आई एस अवार्ड मिला मासिन राम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दुनिया भर में बारिश के मेघालय का दोस्तों रबड़ के दो जो है वो किंग किंग जेरी रबड़ के ब्रिज को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में टेंटेटिव लिस्ट में घोषणा क्या किया गया है इंक्लूड किया गया है ठीक है मेघालय की कैपिटल सिलोंग है सी के संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर हैं बी डी मिश्रा जो कि एडिशनल चार्ज में हैं सत्यपाल मलिक के बाद यह हैं अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों पॉपुलर फेस्टिवल जो है ये राइजिंग सन फेस्टिवल है नॉन्क्रेम डांस फेस्टिवल है वांगला फेस्टिवल है आहिया फेस्टिवल है बहडिन खलाम फेस्टिवल है साद शुक्रा फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मेघालय के फेस्टिवल है दोस्तों उन्नीस नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे वो कुरुक्षेत्र दोस्तों हरियाणा में ही है तो दोस्तों हरियाणा ही मनाता है गीता महोत्सव ठीक है क्लियर है हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं बंदारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं दोस्तों शाहजहां से भी बड़ा जंगल सफारी ये बना रहे हैं हरियाणा का टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दुबई से भी हुआ है दोस्तों क्लाइमेट सबमिट जब भी चलती है तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अवार्ड आता रैंकिंग निकलती है जिसमें पहली दूसरी पोजीशन को एकदम खाली रखा जाता है क्योंकि कोई भी पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है चौथी पोजीशन पे दोस्तों जो है डेनमार्क रहता है वो हमेशा टॉप पे रहता है लेकिन इस बार भारत की प्रदर्शन सुधरी है वो टॉप टेन में तो है लेकिन टॉप टेन में पिछले साल भी था पिछले साल दसवें नंबर पे था इस बार आठवें नंबर पे है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि क्लाइमेट वाले में कम से कम इंडिया टॉप देखिए क्लाइमेट चेंज वाले में इंडिया टॉप एट पे है समझ रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट वाले में इन्होंने हमको एक, एक देश में एक नंबर पर रखा है मतलब सबसे बॉटम पे इंडिया को रखा है सोच सकते हैं आप दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भारतीय ही फैला रहे हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है वो क्यों आई है दोस्तों क्योंकि एट बिलियन आबादी हो गई दुनिया की तो एट बिलियन आबादी को सेलिब्रेट करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो ये रिपोर्ट आई है और दोस्तों इसमें बोला गया है कि भारत की जो आबादी है वो अगले साल 1.66 बिलियन हो जाएगी और दोस्तों वो भारत की आबादी चाइना से ज़्यादा हो जाएगी 1.668 बिलियन के साथ अगले साल भारत की आबादी चाइना को सरपास कर देगी दोस्तों यानी भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी 1.317 बिलियन हो जाएगी क्योंकि वहां पे बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है ठीक है दोस्तों जबकि भारत में पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं तो 11 जुलाई को मनाते हैं कब मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं ठीक है दोस्तों सीपीआई वाली इन्फ्लेशन कितनी है दोस्तों भारत में इस समय इस महीने सिक्स पॉइंट सेवन सेवन परसेंट है और डब्ल्यू पी आई वाली एट पॉइंट थ्री नाइन है एट पॉइंट थ्री नाइन है ये सिक्स पॉइंट सेवन सेवन परसेंट क्लियर है तो दो से 6 वाले दोस्तों बैंड से बाहर जा रहा है ये लगातार दसवें महीने लगातार दसवे महीने यानी कि दोस्तों ये रिपोर्ट आई है अक्टूबर की अक्टूबर खुद ही दसवां महीना होता है साल का तो ये दसवें महीने की बात हो रही है तो मतलब जनवरी से लेके अभी तक ये छः परसेंट से ऊपर ही चल रहा है तीन क्वार्टर हो गया इसीलिए भारत सरकार ने इसे रिपोर्ट आ, इनसे वो भी मांगा है रीजन भी मांगा है कि छः परसेंट से ऊपर चल रहा है आप क्या कर रहे हो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में बीस लोग होते हैं जिसमें बारह लोग भारत सरकार की तरफ से आठ लोग आर की तरफ से और एक इक्कीसवा आदमी होता है जो गवर्नर होता है इसी सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में दोस्तों जो है किसे अपॉइंट किया गया विवेक जोशी को अपॉइंट किया गया ठीक है दोस्तों पंद्रह डायरेक्टर होते हैं पांच ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं दस नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड में होते हैं ठीक है ओके दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास बाईस ये उसका अठारहवा संस्करण है तो दोस्तों ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड के ओली में दोस्तों अभी अभी जो है वज्र प्रहार हुआ था वो हुआ था दोस्तों बकलोह में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में वज्र प्रहार हुआ था ये भी इंडिया और इसके बीच में ही होता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों साउथ कोरिया में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों की टेन मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो ये शिवा नरवाल ने जीता है शिवा नरवाल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों एशियन एयरगन चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने जीता है दोस्तों इंटॉलरेंस डे कब मनाया जाता है तो इंटॉलरेंस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है असहिष्णुता दिवस उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों महात्मा गांधी की एक जयंती पर अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का मना करके दोस्तों उन्हें श्रद्धांजलि दी थी दोस्तों इंटर न्यू बॉर्न केयर वीक कब मनाया जाता है तो दोस्तों न्यू बॉर्न केयर वीक जो है ये पंद्रह से इक्कीस नवंबर के बीच में मनाया जाता है पंद्रह से इक्कीस नवंबर के बीच में दोस्तों मनाया जाता है ओके दोस्तों नियो नेटल पीरियड जो फर्स्ट ट्वेंटी एट डे ऑफ लाइफ होते हैं वो बड़े क्रूशल पीरियड होते हैं चाइल्ड के सर्वाइवल के लिए नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट दोस्तों ट्वेंटी है पर वन थाउजेंड बर्थ और हमेशा एक हजार लोगों पर ही मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर निकाली जाती है ये बात भी याद रखिए मान लीजिए बीस मोर्टिलिटी रेट है अट्ठाईस मोर्टिलिटी रेट इस समय भारत का चल रहा है तो इसका मतलब एक हजार लोगों पे निकाला गया है है ठीक दोस्तों बिलियन डे आप आ, की आबादी हो गई ये किस दिन हुई है पूरी दुनिया की आबादी दोस्तों एट बिलियन हो गई आठ अरब आबादी हो गई ये दोस्तों किस दिन हुई है तो ये दोस्तों पंद्रह नवंबर को हुई है पंद्रह नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के दिन ऐसे याद रख लीजिए ट्राइबल प्राइड डे के दिन एट बिलियन हुए थे और दोस्तों उसी दिन यह रिपोर्ट आई थी कि 2023 में भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी हो जाएगी 1.668 मिलियन आबादी जो है दोस्तों भारत की हो जाएगी दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चिल्ड्रंस डे के दिन होता है शुरू हर साल यानी 14 नवंबर को उसका इकतालीसवा एडिशन हो रहा है इस बार उसकी थीम है दोस्तों वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तो दोस्तों सब कुछ फिक्स रहता है इसका बस थीम ही बदलता होगा क्योंकि ये मैदान से ही होता है है ना और दोस्तों ये ट्रेड फेयर हर साल होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ठीक है दोस्तों भारत के किस टेलीकॉम ब्रांड ने भारत के इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड आ, का दोस्तों तमगा हासिल किया है टॉप किया है इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड में दोस्तों रिलायंस जियो जो है दोस्तों इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड बनी है ठीक है रिलायंस जियो ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों टेलीकॉम कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जियो पहले पे है एयरटेल सेकेंड पे है वोडाफोन आइडिया तीसरे पे है बी चौथे पे है दोस्तों अगर जो है अपैरल कैटेगरी में देखा जाए तो एडिडास जो है पहले नंबर पे है नाइक दूसरे पे है रेमंड तीसरे पे है एलन सोली चौथे पे है पीटर इंग्लैंड पांचवे पे है दोस्तों अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल कैटेगरी में तो बी तो पहले पे है टोयोटा दूसरे पे है हिंडाई तीसरे पे है होंडा चौथे पे है दोस्तों याद रखें ठीक है अगर दोस्तों बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विस कैटेगरी देखी जाए तो एल पहले पे है एस दूसरे पे है और आईसीआईसी तीसरे पे है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों जो है इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड भारत की तरफ से कौन है फा, फा, फाइनेंशियल सेक्टर में एल है एल है फिर एस है तब आई है डिजायर्ड ब्रांड मतलब जिसको लोग खुद से चाहते हों जैसे कपड़े में एडिडास नाइकी रेमंड ये सब चाहते हैं एल एसोली पीटर इंग्लैंड ठीक है जैसे दोस्तों ऑटोमोबाइल में लोग कहते हैं बी एमडब्ल्यू डी वी एम डब्ल्यू से चलेंगे डिजायर्ड ब्रांड है डिजायर्ड ब्रांड है चाहता सब है मिलता कि बहुत कम लोगों को दोस्तों कंज्यूमर अप्लायंस में केंट ने टॉप किया है और लिव प्योर सेकेंड पे है ओकाया थर्ड नंबर पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों एल ने टॉप किया है सोनी सेकंड पे है और सैमसंग थर्ड नंबर पे है ओके okay, क्लियर है चलिए दोस्तों अगर जो है डाइवर्सिफाइड कॉगनोलम में जले तो आई ने टॉप किया है फिर टाटा ने फिर रिलायंस यानी जिसकी बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालती हैं दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एनर्जी कैटेगरी में टॉप किया है उसके बाद इंडियन ऑयल है तब अडानी है दोस्तों किस राज्य ने हिंसा का महिमा मंडन करने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है तो दोस्तों ये पंजाब ने दिया है कोई भी जो है खालिस्तान के जो है आ, लिए गीत नहीं गाएगा और कोई भी दोस्तों हथियार ऐसे लेके घूमेगा नहीं नेशनल प्रेस डे दोस्तों किस दिन मनाया जाता है तो ये सोलह नवंबर को मनाया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड रंजना देसाई है और दोस्तों प्रेस आ, फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग एक है डेढ़ सौवीं रैंक है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो दोस्तों एम सी मेरी कॉम को अपॉइंट किया गया देख सकते हैं दोनों लोग उधर दिख रहे हैं एम सी मेरी कॉम के बगल में जो लंबा आदमी है दोस्तों वो कौन है वो है शरत अचंता कमल जो वाइस चेयरमैन बन गए हैं इसके और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार केवल इन्हीं को मिलने वाला है तीन गोल्ड जीता था दोस्तों इन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ में और एक सिल्वर जीता था ठीक है दोस्तों नीति आयोग के होल टाइम मेंबर फुल टाइम मेंबर के रूप में अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है तो दोस्तों अरविंद वीरमनी को किया गया नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों परमेश्वरन अय्यर हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन है नीति आयोग के दोस्तों आ, कौन है बताओ अरे क्या नाम था उनका देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है जीएसटी के एंटी प्रॉफिटरिंग कंप्लेन को देखेगा शिकायतों को देखेगा एक दिसंबर 2022 से एक दिसंबर से दोस्तों जीएसटी के जो भी जो है आ, एंटी मॉनिटरिंग एंड फेयर पर प्रॉफिटियरिंग एक्टिविटीज होगी उसको यही दोस्तों मॉनिटर करेगा ठीक है दोस्तों किस राज्य ने तोखु इमोंग ना नौ दिवसीय कटाई के बाद उत्सव के दौरान तोखू इमोंग बर्ड काउंट के पहले एडिशन की मेजबानी की तो इमोंग बर्ड काउंट दोस्तों ये किसने किया है नागालैंड ने किया नागालैंड के स्वीट ककम्बर को जीआई टैग मिला अमूर फाल्कन बाज का ये वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है नागालैंड दोस्तों यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज द्वारा मिड ईयर ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों को दुनिया भर में जबरन विस्थापित किया गया है उनको रिफ्यूजी बनने पर मंजूब मजबूर किया गया है तो ये 130 मिलियन लोग हैं 103 मिलियन लोगों को दोस्तों जबरन जो है अपने देश से निकाल दिया गया है ठीक है ये 15 परसेंट बढ़ा ही है इस साल दोस्तों सरकारी बैंकों की क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक है जो कि टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरा है लोन ग्रोथ में? लोन ग्रोथ परसेंटेज टर्म में दोस्तों सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परसेंटेज लोन परसेंटेज ग्रोथ में दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लोन बांटा है इसका मतलब है क्लियर okay? है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों नेम द ऑर्गेनाइजेशन डेट हैज रिलीज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन म्यूनिसपल फाइनेंस म्यूनिसिपल फाइनेंस मतलब नगर निगम वाला फाइनेंस विद द सजेशन ऑफ पुल्ड फाइनेंसिंग टू इनहेंस द एक्सेस ऑफ स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडीज टू द कैपिटल मार्केट अर्बन लोकल बॉडीज को और अच्छे से डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए तो कैपिटल मार्केट में दोस्तों इनकी जो है फाइनेंस पुलिंग की जाएगी जैसे अभी पुणे का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड आया था अभी दोस्तों वड़ोदरा का भी म्यूनिस्पल कारपोरेशन का बॉन्ड आया था तो इसके लिए आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है आर ने दोस्तों रिपोर्ट जारी की है ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों हाल ही में किस आरआरबी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों जो है बैंक के शोरेंस टाइप किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के साथ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के साथ दोस्तों टाइप किया है ओके दोस्तों वो रिसेंटली कन्फर्ड विद जापान प्रेस्टिजियस डेमिंग डिस्टिंग सर्विस अवार्ड फॉर डिसेमिनेशन एंड प्रमोशन ओवरसीज 2022 हाल ही में प्रसार और संवर्धन प्रवासी के लिए जापान के प्रतिष्ठित डेमिंग विशिष्ट सेवा से किसे सम्मानित किया गया है तो जापान में ये अवार्ड मिला है एल गणेश को एल गणेश को दोस्तों जापान ने सम्मानित किया है राणे ग्रुप के हेड हैं लक्ष्मी नारायण गणेश ठीक है इन्हें यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों ग्लोबल सिंड इंश्योरेंस इनिशिएटिव किस ग्रुप के द्वारा शुरू की गई है तो ग्लोबल सिंड इंश्योरेंस इनिशिएटिव दोस्तों जी सेवन एंड वी ट्वेंटी के द्वारा शुरू की गई है जी सेवन एंड वी ट्वेंटी के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है दोस्तों हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दोस्तों हर महीने अल्फाबेटिकली मिलता है ठीक है तो यहां पे देखिए इस बार घाना को मिला है घाना को दोस्तों मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने का मौका ठीक है दोस्तों पेरिस में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों होगा 2024 में वैसे भी जहां ओलंपिक होता है वहीं पैरा ओलंपिक भी होता है तो दोस्तों मस्कट जारी किया गया इस मस्कट का नाम क्या है फ्रीजस फ्रीजेस दोस्तों इस मस्कट का नाम है ओके क्लियर है दोस्तों भेड़ पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में विकसित इंटीग्रेटेड भेड़ विकास योजना के लिए दोस्तों यहां पे जो है टाइप हुआ जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर ने दोस्तों शिप फार्मिंग के लिए आपको याद हो तो न्यूजीलैंड के साथ भी टाइप किया था किसके साथ न्यूजीलैंड के साथ भी टाइप किया था दोस्तों मिशन वसुंधरा दो टू पॉइंट जीरो जो है यह किस राज्य की योजना है आसाम की योजना है दोस्तों स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देने के लिए क्योंकि बांग्लादेशी भी बहुत यहाँ पे रहते हैं तो स्वदेशी लोगों को ही भूमि अधिकार दिया जाएगा मिशन वसुंधरा 2.0 पॉइंट जीरो लॉन्च किया गया है ओके दोस्तों उस संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा पेशेवर कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर काम करने वाले पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए असम सरकार के साथ टाइप किया है तो दोस्तों ये आई आई एम बेंगलोर ने के साथ टाइप असम सरकार का हुआ है मुख्यमंत्री युवा पेशेवर कार्यक्रम के तहत ठीक है दोस्तों उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत की ग्रीन मोबिलिटी की इनिशिएटिव को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के एक फ्लीट को दोस्तों जो है अपने यहां शामिल किया है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो वो टाटा से ही गाड़ी मंगाते हैं तो अभी टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के एक बेड़े को इंडियन एयरफोर्स ने लिया है दोस्तों ठीक है अब वहां के जो अधिकारी है वो यूज करेंगे और क्या विवेक राम चौधरी दोस्तों एयर चीफ मार्शल हैं सी हैं अनिल चौहान मनोज पांडे दोस्तों आ, हमारे जनरल हैं और आर हरिकुमार नेवी चीफ हैं दोस्तों नाबार्ड ने ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टॉल इन मॉल कार्यक्रम स्टॉल इन मॉल कार्यक्रम का आयोजन किया है दोस्तों ये कहाँ पे किया है ये आंध्र प्रदेश में किया नाबार्ड ट्वेल्थ जुलाई 1982 मुंबई हेड क्वार्टर जी आर चिंताला हेड जल्द ही मोहम्मद मुस्तफ़ा बन जाएंगे दोस्तों शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी के और आर को दोस्तों लोन जो है देती है आर और कोऑपरेटिव को के और सेल्फ हेल्प ग्रुप यही लेके आई थी ठीक है और दोस्तों पांच ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें से एक ये भी है दोस्तों नवीन टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेडर बनाया है तो महेंद्र सिंह धोनी को नवीन टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में केयर एज रेटिंग से केयर एज रेटिंग से ई रेटिंग के लिए बेस्ट इन क्लास से सम्मानित किया गया है ई का मतलब होता है इनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस तो दोस्तों इसमें बेस्ट इन क्लास से सम्मानित किया गया ई एस स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस एफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जॉय ऑफ बैंकिंग जिसकी टैगलाइन है थ्रिसूर केरला में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है ठीक है दोस्तों आरबीआई ने भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नाइन वास्ट्रो अकाउंट खोलने को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों इंडस इंड बैंक में और यूको बैंक में दोस्तों वास्ट्रो अकाउंट ओपन होगा जिनकी ब्रांचेस इंडिया में नहीं है बाकी सारे रशियन ब्रांचेज जिनकी इंडिया में बैंक हैं, वो अपने ही ब्रांच में खोल लेंगे जैसे एसबर बैंक और वीटीबी बैंक अपने ही ब्रांच में खोल लेगी रशिया की गैजोम प्रेम बैंक के पास कोई ब्रांच नहीं है तो वो यूको बैंक कोलकाता के साथ खोलेगा बाकी सिर्फ छह डिफरेंट रशियन बैंक है जो इंडस इंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं ठीक है आईसीआईसी वेंचर एंड मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में सेलो वर्ल्ड में निवेश किया है कितने रुपए का निवेश किया है तीन सौ साठ करोड़ रुपए का निवेश किया है दोस्तों ठीक है कोटेक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडवर्टाइजर लिमिटेड ने अपने वन बिलियन अमेरिकी डॉलर के रियल इस्टेट फंड के लिए अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से कितने पैसे का एंकर इन्वेस्टमेंट लिया है तो दोस्तों इसने 500 मिलियन का एंकर इन्वेस्टमेंट हासिल किया है ठीक है दोस्तों आरबीआई ने विभिन्न बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने पर छह कोऑपरेटिव बैंक सहित तीन सहकारी बैंकों सहित दोस्तों नौ संस्थाओं पर कुल कितने रुपए का जुर्माना लगाया है कुल बारह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों करीब करीब बारह लाख रुपए हैं ग्यारह लाख साठ हज़ार रुपए। बरहाम सहकारी बैंक दोस्तों इस पर उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक संतराम सहकारी बैंक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक जमशेदपुर रेणुका नागरी सहकारी बैंक दोस्तों मर्यादित कन्द्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक कृष्णा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों जो मध्य प्रदेश भोपाल की है और द नवा नगर कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है दोस्तों उस संगठन का नाम बताइए जो हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे लाइसेंस के लिए ओपन को सैद्धांतिक मंजूरी जिसने दे दी है तो दोस्तों ऐसी मंजूरियां आरबीआई ही देता है सवाल में ही मेन क्वेश्चन है कि आखिर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस अभी किसे मिला है तो वो ओपन कंपनी को मिला है जो सौवी यूनिकॉर्न कंपनी है भारत की यूनिकॉर्न कंपनी है ठीक है क्लियर है दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने इजिप्ट की सरकार के साथ इजिप्ट में एट बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना करने के लिए एक रूपरेखा एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए तो रिन्यू पावर ने दोस्तों यहां इजिप्ट में जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना के लिए रूक तैयार की है रिन्यू पावर ने ठीक है क्लियर है दोस्तों हाल ही में किसे? ला लीजन डी होनूर नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों सुमित आनंद को किया गया किसको किया गया है सुमित आनंद को दोस्तों यहां सम्मानित किया गया है ओके दोस्तों भारत में सीओपी ट्वेंटी सेवन के साथ साथ किस देश के साथ लीड आईटी टी सबमिट की मेजबानी की है तो सीओपी ट्वेंटी सेवन सरमल शेख मिस्र में लीड आईटी जो भारत की शुरू हुई इनिशिएटिव है स्वीडन के साथ शुरू किया गया है स्वीडन और भारत ने ही लीड आईटी को एक साथ शुरू किया था तो इस बार दोस्तों इन्होंने लगे हाथों वहां लीड आई का भी एक मीटिंग कर लिया ठीक है यूनाइटेड क्लाइमेट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में दोस्तों इंडिया स्वीडन ने इसे लॉन्च किया था और दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सपोर्टेड है दोस्तों ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में जीत हासिल करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड किसने जीता है तो ये दोस्तों एनएमडीसी ने जीता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोस्तों यह अवार्ड जीता है हैदराबाद हेडक्वार्टर है उसका नाइनटीन फिफ्टी एट में आई थी दोस्तों किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है तो अमर सरकार दोस्तों त्रिपुरा ने लॉन्च किया है त्रिपुरा कैपिटल अगरतला है मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर हैं एस और दोस्तों अब जो है एस एन आर्या सत्यदेव नारायण आर्या इसके गवर्नर हैं दोस्तों कौन सा स्टेट एलिफेंट ड्रेथ डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो दोस्तों ये तमिलनाडु बन गया है तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है दोस्तों याद रखिएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है तो दोस्तों होमर को चुना है परमा क्राइसिस को कोलिंस ने चुना था दोस्तों जो क्राइसिस खत्म ही नहीं हो रही है जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध परमा क्राइसिस कहते हैं जैसे कोरोना वाली क्राइसिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे दोस्तों होमर शब्द जो है यहां पे जो है इन्होंने चुना है कैम्ब्रिज ने तो दोस्तों होमर शब्द बेसबॉल में यूज किया जाने वाला शब्द है पॉपुलर अमेरिकन स्पोर्ट्स फेसबॉल दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है ठीक है तो दोस्तों एनपीएस की शुरुआत एक अप्रैल 2004 के बाद शामिल हुए सभी कर्मचारियों के पेंशन को रोकने के भारत सरकार के निर्णय के साथ शुरू हुई थी दोस्तों ओएनजीसी के नए हेड कौन बन गए हैं अरुण कुमार सिंह जो कि पहले बीपीसीएल के हेड थे भारत पेट्रोलियम के हेड थे दोस्तों अरुण कुमार सिंह ठीक है दोस्तों सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है तो दोस्तों इन्हें पश्चिम बंगाल का बनाया गया है दोस्तों सीवी आनंद बोस भी बंगाली हैं बंगाल के राज्यपाल बने हैं दोस्तों अभी जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए तो यहाँ पे राज्यपाल की पोस्ट खाली हो गई थी जो कुछ समय के लिए मणिपुर के ला गणेशन जी अतिरिक्त प्रभार में देख रहे थे दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल सर्किल के फोर्टी सेवेंथ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल में गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों तो ये एनटीपीसी ने जीता है तो ने जीता है ओके दोस्तों कोविड प्रतिबंधों की विस्तारी अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से तो कोरोना में भी सबसे ज्यादा लोग अमेरिका से आए थे अमेरिका से दोस्तों सबसे ज्यादा लोग आए थे चार लाख उनतीस हजार उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है जिसमें दो लाख चालीस हजार लोग आए थे दोस्तों डिजिटल शक्ति अभियान डिजिटल शक्ति फोर के चौथे चरण को शुरू किया गया है शक्ति मतलब महिलाओं के लिए ही है दोस्तों तो किस संगठन और कंपनी ने दोस्तों इसमें जो है भागीधारिता की है राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के हेड कौन है तो दोस्तों वो रेखा शर्मा जी हैं तो दोस्तों यहां पे देखा जाए तो साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा यानी फेसबुक कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया गया है ओके दोस्तों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत जो है जापान को पीछे करके क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है दोस्तों दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने दोस्तों किस विभाग के साथ मिलकर विभाग के विभिन्न बुनियादी ढांचे के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है तो दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग जो डेयरिंग जो डिपार्टमेंट है वो भी दोस्तों गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में आ जाएगा क्योंकि दोस्तों जो मीट मांस मछली दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं उसको जल्दी से जल्दी दोस्तों डिलीवर किया जाना जरूरी है गति शक्ति गति में शक्ति लाना बहुत जरूरी है ठीक है इसके लिए बहुत सारे प्रभाव जो है इंतजाम किए भी गए जिसमें किसान रेल किसान जो है उड़ान योजना बहुत सारी योजना है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा के सूरज कुंड में दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत के सभी राज्यों में दोस्तों एन आई हो एन आई ए होंगी सभी राज्यों में 2024 दो तक दोस्तों एन आई ए होंगे सभी राज्यों में क्या सभी जिलों में वो लाने की बात भी कह रहे हैं ठीक है चिंतन शिविर कहां हुआ सूरजकुंड में यह बात याद रखिएगा दोस्तों किस बैंक ने सोलर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ डेढ़ सौ मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो दोस्तों जर्मनी के एफ बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हस्ताक्षर किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हस्ताक्षर किए ठीक है।, है क्लियर है याद रहेगा चलिए इसके अलावा यह दीर्घकालिक लोन जो है भारत के सीओ पी ट्वेंटी सिक्स के दौरान लिए गए पंचामृत में के लक्ष्य में और योगदान देगा दोस्तों दो करोड़ टू द उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को दो सौ बीस दशमलव फाइव जीरो करोड़ रुपए मंजूर किए दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं दोस्तों नाबार्ड के साथ किसने नाबार्ड के साथ मंजूर किए हैं ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों नाबार्ड को यह पैसा जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू दिया जा रहा है ओके क्लियर है चलिए दोस्तों किस राज्य को 5000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मिला है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दोस्तों यहां पे महाराष्ट्र से मिला है किससे मिला है महाराष्ट्र से मिला है ठीक है 5000 इलेक्ट्रिक बसेस दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में 255 इलेक्ट्रिक बैटरी चालित बसों को डेवलप करने के लिए ग्रीन सेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जीई के साथ एक कितने रुपए के जो है दोस्तों फाइनेंसिंग पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं तो दोस्तों 40 मिलियन यूएस डॉलर के फाइनेंसिंग पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त दोस्तों उस इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में एल के प्रोडक्ट को प्रदान करने के लिए एल के साथ टाइप किया है तो दोस्तों उस इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है इंश्योरेंस देखो जो एल के दोस्तों पॉलिसीज जो है बेचेगी एल के साथ सहयोग कर रही है इंश्योरेंस देखो प्लेटफॉर्म ओके क्लियर है बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों विच ऑफ इंडियन ओरिजिन आंट्रप्रनियर वो हैज बीन रिसेंटली फीचर्ड ऑन फॉर्चून्स एनुअल फोर्टी अंडर फोर्टी लिस्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के उद्यमी को हाल ही में 2022 में फॉर्च्यून की वार्षिक 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया गया है तो दोस्तों यहां पर जो है कानो करिया को और दोस्तों अंकित गुप्ता को यहां पे 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया गया है ओके क्लियर है कानव करिया और अंकित गुप्ता इंडियन ओरिजिन आंट्रप्रनियर है ओके दोस्तों संजय मिश्रा को दोस्तों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है यह ईडी है दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिसका छापा पड़ता है मनीष सिसोदिया संजय राउत और बहुत सारे लोगों के घर पे सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है तो दोस्तों जो है यहाँ पे ईडी के जो है अच्छा काम कर रहे हैं संजय मिश्रा जी सरकार के हिसाब से चल रहे हैं तो इनको दोस्तों एक्सटेंशन दे दिया गया है अट्ठारह दो तक ठीक है ओके okay, चलिए तो दोस्तों इनको जो है 2020 में ही रिटायर हो जा हो गए थे लेकिन इनको एक एक वर्ष के दो एक्सटेंशन मिल चुके हैं रिटायरमेंट के बाद भी देख रहे हैं देख रहे हो ना विनोद दोस्तों जी सैम ग्राम पंचायत स्पेशियल एसेट मैपर मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है दोस्तों तो ये जो है लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने किसने लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने दोस्तों लॉन्च किया है ठीक है वर्ल्ड जीआईएस डे दोस्तों किस दिन मनाया जाता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये डे दोस्तों 16 नवंबर को मनाया जाता है 16 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है क्लियर है क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों इंडियन आर्मीज फर्स्ट वीमेन स्काई ड्राइवर भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है तो दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है दोस्तों लांस नायक मंजू जी कौन बनी है लांस नायक मंजू जी दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है जिन्होंने दोस्तों एडवांस हेलीकॉप्टर ए से दस हजार की ऊंचाई से छलांग लगाई है दोस्तों किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा देने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से आज़ादी दे दी है पुलिस क्लियर क्लियर क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तो ये काम सऊदी अरबिया ने किया है कि भाई भारत और इंडिया के बीच में दोस्ती इतनी अच्छी है कि पुलिस क्लियरेंस की जरूरत नहीं है सभी अपराधी सऊदी अरब आ जाओ दोस्तों आर ने अभी जो है डिजिटल करेंसी ला लागू करी थी सी दोस्तों होलसेल के लिए लॉन्च करा था मनी मार्केट के लिए अब दोस्तों रीड दोस्तों इसमें शॉर्ट लिस्टेड है ठीक है क्लियर है याद रहेगा तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने दोस्तों इसे कवर भी किया थैंक यू सो मच तो चलिए दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग क्या बफरिंग वफरिंग तुम लोग चिल्लाए थे बीच में बफरिंग हो रही थी क्या तो दोस्तों अपना वीकली करेंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो गई अल्टीमेटली जितने भी इंपॉर्टेंट खबर थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए तो चलिए दोस्तों रैपिड फायर चला आज का वीकली करेंट अफेयर का शो और चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय जा भारत बाय टेक केयर लव यू ऑल